सुरेंद्र यादव यहाँ 35 साल राज किए हैं और आवाम के दिल में है। मनोरमा देवी तो आज तक नजर ही नहीं आई। वो सब काम नहीं जानती। नहीं जानते? नहीं जानते। नाम बताते हैं, मनोरमा देवी को जानते हो? नहीं जानते। किसको वोट देना है इस बार? हम कम वोट सुनते हैं। किसको वोट दीजिएगा इस बार? हम आरजेडी को देंगे। हम लोग आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी का साथ है? महागठबंधन जी नहीं, वो तो चार दिन के चांदी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगा। प्रशांत किशोर क्या है? बी पार्टी है, बीजेपी के बी पार्टी है। हम लोग के सब्जी रहनुमा रहे हैं सुरेंद्र यादव जी। विश्वनाथ वे भी जो है वो भी बहुत अच्छे आदमी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अपने बच्चे को देख के वोट कीजिए जी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अपने बच्चे को देख के वोट कीजिए। इस बार किसका साथ दे रहे हैं चाचा? आरजेडी का। बड़ा सोच के बोले। बोला मनोरमा देवी कहाँ बाय फिर? ओ मनोरमा देवी कोई नहीं चले। 72,000 वोट में कम से कम इनको 50-55,000 मुस्लिम वोट मिलने जा रहा है। मैं सब उसे ऑल आउट हो जाएगा। ओवैसी की पार्टी सुना है कि यहाँ पे? वो ओवैसी का पार्टी है तो जो है कि वो भी इसी तरीके से आया है, फिर चल जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव, बिहार की राजनीति का यह सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखिए इस वक्त हम बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और जब बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और तमाम चीजों को ग्राउंड जीरो पर समझकर आपको दिखाने आए हैं, तो यहाँ पर एक मस्जिद दिखा, ऐसा लगा कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की आबादी है, यहाँ कुछ लोग दिखे। इन लोगों से बात कर लेते हैं और सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि ये इलाका कौन सा है, ये कौन सा कॉलोनी है, ये कौन सा इलाका है? इस्लामगंज कटारी, वार्ड नंबर 28, टाउन ब्लॉक बेला कंस्टिट्यूएंसी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम हुआ। बेलागंज का माहौल क्या लग रहा है इस बार? किससे किसकी लड़ाई? बेलागंज में किसी से लड़ाई नहीं है। सुरेंद्र यादव यहाँ 35 साल राज किए हैं और आवाम के दिल में है। आवाम उनको बहुत चाहती है। वो 35 साल तक इस क्षेत्र में बहुत मेहनत किए हैं और बहुत लगन से मेहनत किए हैं। मनोरमा देवी तो आज तक नजर ही नहीं आई, कभी नहीं। अच्छा, कोई जानता भी नहीं है मनोरमा देवी को। बताइए कि आप सुरेंद्र यादव को जान रहे हैं, उनकी विरासत के बारे में आपने बताया, विश्वनाथ यादव को जान रहे हैं? विश्वनाथ यादव सभी के दिल में है, चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो। 5 साल तक पूरे क्षेत्र का एक एक काम करता है, चाहे छोटा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के साथ जुड़ा रहता है। चाहे मेडिकल का काम हो, कोई बीमार हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे पोस्टमार्टम हो, चाहे सभी कार्य में लगा रहता है। कोरोना काल में ईमानदारी से हर समाज के साथ वो इंसान जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर के पार्टी के मोहम्मद अमजद, उनका साथ? मोहम्मद अमजद 2005 में चुनाव लड़े थे, 2010 में चुनाव लड़े थे, बाद में चुनाव के बाद ये नजर ही नहीं आते हैं कि कहाँ गुमनाम हो जाते हैं और इनका कोई जन आधार ही नहीं है। साथ नहीं दीजिएगा आपकी के समाज के? नहीं, कभी नहीं समाज देंगे। हम इंडिया महागठबंधन के साथ हैं। इंडिया महागठबंधन? हाँ, इंडिया महागठबंधन के साथ हैं। हमारा नेता लालू यादव है, हमारा रहनुमा लालू यादव है, कोई दूसरा नहीं है। यही प्रशांत किशोर कल भाजपा के बी टीम के लिए काम कर रहे थे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा था कि 350 ये पार कर चुके हैं, तो ये इनको हम कैसे माने कि हमारे हैं? और हर 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 मोदी, घर घर मोदी, ये किनका नारा है? ये प्रशांत किशोर जी का ही नारा है। अच्छा, कौन बेहतर, कौन दिख रहा है बेहतर? आरजेडी है। आरजेडी है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं बच्चों को देख के वोट कीजिए, आप आरजेडी देख रहे हैं? आरजेडी ही देखा, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करता है ना। गरीबों के लिए काम करते हैं और आप लोग के लिए काम करते हैं? सबके लिए करते हैं। सबके लिए करते हैं? सबके लिए बराबर है। किशोर कह रहे हैं अपने बच्चों को देख के वोट, वो किसी को अमीर गरीब नहीं देखते हैं। आरजेडी किसी को अमीर गरीब नहीं देखते, हिंदू मुसलमान वो नहीं करते, सिर्फ वो इंसान देख करके काम करते, इंसानियत देख करके काम करते हैं। जेडी और प्रशांत किशोर का क्या? वो सब काम नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। नाम बताते हैं, मनोरमा देवी को जानते हो? नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं जानते। यहाँ से अभी कैंडिडेट है वहाँ की, यहाँ के वो। अच्छा, मौलाना साहब मोहम्मद अमजद को तो जानते होंगे? उनको जानते हैं लेकिन नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे कोई भी कैंडिडेट होता है वो उसको उसी वक्त जाना जाता है जब वो फील्ड में उतरता है। तो आपसे मुखातिब नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं। हम नहीं देखे अब तक, यहाँ नहीं आए? नहीं है, हम नहीं देखे। हमसे मुलाकात नहीं उनकी,
हम उनको नहीं जानते हैं। विश्वनाथ यादव को जानते हैं? हाँ उनको जानते हैं। मिल चुके हैं? मिल नहीं चुके हैं, लेकिन उनके काम को जानते हैं। क्या काम जानते हैं? एक दो बताइए, दो बताइए। देखिए वो काम ये करते हैं कि वो कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है कोई भी गरीबों की, ठीक है, कभी भी कोई जरूरत पड़ती है वो फौरन हाजिर होते हैं। हाजिर होते हैं, हाँ। दूसरा काम बताइए। वो दूसरा काम यह है कि उनके बाप ही से ले लीजिए, हाँ। बहुत दिन से उनका खिदमत यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो। अच्छा, बहुत दिन से? हाँ बहुत दिन से खिदमत कर रहे हैं गरीबों की, वो समझ लिए मसीहा है वो। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस बार अल्पसंख्यकों के वोट में बिखराव होगा, प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, उधर जेडीयू से मनोरमा देवी है, तो लग रहा है कि बिखराव होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लोग आवाम जो है वो काम देखती है, ठीक है, जिस पार्टी के लोग विकास में ध्यान देंगे उनके तरफ आवाम होगी, ठीक है। प्रशांत किशोर तो विकास की बात कर रहे हैं। बात करने से कुछ नहीं होता है, विश्वास नहीं? बात करने से कुछ नहीं होता, विश्वास नहीं प्रशांत किशोर? बात से क्या होता है, वो तो हम भी बोल देंगे हम ये चीज कर सकते हैं। प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं उनकी बात, लेकिन जो करेगा उसी को ना हम बोलेंगे। अच्छा, प्रशांत पर विश्वास नहीं? ये कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक दुकान है और यह दुकान के समीप कुछ लोग बैठे हैं, इन लोगों से बात करते हैं। देखिए सियासत गर्म है, राजनीति गर्म है, ऐसे में बेलागंज में इस बार किसका साथ दे रहे हैं? हम लोग आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी का साथ दे रहे हैं? जी, महागठबंधन जी नहीं, वो तो चार दिन के चांदी है, फिर अंधेरी रात हो जाएगा। मोहम्मद हैं आपके समाज के हैं? नहीं नहीं, हम लोग आरजेडी के साथ हैं बिल्कुल। अपने समाज का साथ नहीं दीजिएगा? अरे वो कहा समाज है, प्रशांत किशोर क्या है, बी पार्टी है, बीजेपी के बी पार्टी है। बी पार्टी है तो और क्या है, तो वक्त निकाल नहीं, उसका मनोरमा देवी के फोटो में देखे ना, उसमें फोटो में देखिए बीजेपी के फोटो लगा हुआ नरेंद्र मोदी जी के, उसमें देखना क्या है। हम लोग को सबसे मतलब नहीं है, हम लोग के सब्जी रहनुमा रहे हैं सुरेंद्र यादव जी, हाँ दुख सुख में साथ हैं हम लोग, साथ पार्टी देख के वोट कर रहे हैं। पार्टी देख नहीं, वो कुछ अलग आदमी भी है सुरेंद्र यादव जी, अलग आदमी है, दुख सुख सुनी, दुख सुख जो भी है हर चीज में साथ है वो। तो सुरेंद्र यादव को थोड़ी टिकट मिला ना, विश्वनाथ यादव जी है ना उनके बेटे हैं, हाँ उनके साथ है। तो पिता को देख के पुत्र को वोट नहीं, वो भी है, विश्वनाथ भी अभी जो है वो भी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, भैया मानते हैं, भैया है मेरे। अच्छा, हाँ सब सबका वो दिल में बसते हैं, सबके दिल, हाँ पूरी बेलागंज के दिल में बसते हैं। मनोरमा देवी सुन रहे बहुत एक्टिव हैं वो, तो देखिए चार दिन के आए हैं, चुनाव का ये फंडा होता है, सब अभी लॉलीपॉप दिखावेंगे फिर चले जाएंगे, उसके हम क्या कर रहे हैं। अत्रि से आए उधर से हार के कभी पलट के गए क्या? नहीं, हमको जवाब दीजिए, कभी पलट के गए क्या? अत्रि क्षेत्र का जो जनता है उनसे कभी दुख सुख के पूछताछ किए उनसे? 35 साल का जो साम्राज्य है वो इस बार खत्म हो जाएगा दावा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलने दीजिए, बोलने वाला क्या, हम लोग साथ हैं बिल्कुल दिल से साथ हैं। कह रहे भाई जो अल्पसंख्यक जो समाज है उसके वोट बैंक में काफी बिखराव होने वाला है इस बार चुनाव में? कुछ नहीं होगा, ये सब फंडा है, ये सब खाली हवा पट्टी दिया जा रहा है। आप लोग ऐसा कुछ? हाँ एकजुट है हम लोग एकजुट हैं। आस पड़ोस वाले से बात हुई है? एकदम बिल्कुल। क्या करें, सब साथ है विश्वनाथ यादव जी के, सब साथ है, हाँ महागठबंधन के हम लोग साथ रहे। आप लोग फोन घुमा के पता कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल पता कर रहे हैं सब विश्वनाथ, हाँ हर जगह पे मिलेगा आपको सब विश्वनाथ यादव, दिल में बसते हैं वो। चलिए चचा तो एकदम सच सच बता देंगे, इस बार किसका साथ दे रहे हैं चचा? आरजेडी का। बड़ा सोच के बोले? सोच के नहीं बोल रहे हैं, तो आरजेडी का ही हवा है। आरजेडी का हवा है बोला, मनोरमा देवी का हवा है, फिर मनोरमा देवी कोई नहीं टिकेगी, कोई नहीं टिकेगी। प्रशांत किशोर के पार्टी के दावेदार तो टिकेंगे? नहीं वो भी नहीं टिकेंगे। मोहम्मद अमजद भी नहीं टिकेंगे? नहीं। काहे? अरे वो सब आज आया है कल पता नहीं कहाँ जाएगा, वो सब का कोई भरोसा नहीं है। पार्टी देख के वोट कर रहे हैं या कैंडिडेट? नहीं, कैंडिडेट देख के, जो साथ में जुड़ा हुआ है, जो 30 साल 35 साल से जुड़ा हुआ है उसको देख के हम लोग वोट कर रहे हैं। विश्वनाथ यादव में क्या खास लगता है चाचा, कि आपको लगता है कि नहीं इसको जिता देना चाहिए? उस सब आदमी से मिलना जुलना, मरनी जीनी, शादी ब्याह हर चीज में वो आता है और गाँव का विकास करता है। जो भी आदमी गया कि ये मेरा काम है, पर्सनल भी काम है तो पर्सनल भी करता है, और गांव घर का जो काम जैसे रोड हुआ,
ट्रांसफार्मर वगैरह कहीं जल गया, मांग किया तुरंत देते थे। आप लोग तो गांव समाज के यादव तो मैंने आज अभी हैं, लेकिन उनके पिताजी थे तो हम लोग के यहाँ दो दो को ट्रांसफार्मर दिए, रोड दिए, काम से खुश है जी। अच्छा ये बताइए, आप तो गांव समाज के गार्जियन हैं, बात होती होगी, कई लोगों से मिलना जुलना होता होगा, क्या कह रहे हैं लोग? 72,000 वोट में कम से कम इनको 50-55,000 मुस्लिम वोट मिलने जा रहा। 50-55,000 जी, 50-55,000 जी जी, ये दावा आप कर रहे हैं, वो कह रहा जा रहा है आप संख्या वो वोट में काफी बिखराव है बेलागंज में। हवा कुछ और बहता है, सब जनता चलाक हो गया है। हाँ। कहेगा कुछ करेगा कुछ। अच्छा लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं कि 50-55,000 उसको वोट मुस्लिम का मिलने जा रहा है। अच्छा आप कह रहे हैं कहेगा कुछ करेगा कुछ, तो हाँ, आप जो कह रहे हैं वही जो कह रहा ना कि मनोरमा देवी आप फलना फलना, तो अभी आया तो उसका आ जाएगा आपका द्वार पर, तो उसको क्या कहेंगे भाग जाइए। आप जो कह रहे हैं वही कीजिएगा। हाँ वो होगा, आप सुन लीजिएगा जो हम कह दिए आज कि 50-55,000 उसको वोट मुस्लिम का मिलने जा रहा है। आप मोहम्मद अमजद नहीं लेंगे वोट? नहीं वो सब 2,000 में वो सब किनारे हो जाएगा। ये आपके समाज मुस्लिम वोट उसको 2,000 से 3,000 में सब ऑल आउट हो जाएगा। ऑल आउट हो जाएगा? हाँ चलिए ऑल आउट हो जाएगा, दावा बड़ा है 50-55,000 वोट मिलेगा विश्वनाथ यादव आरजेडी को। चलिए कुछ लोग उस साइड हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या मानना है। दावे तो बहुत हैं, देखिए चुनावी लड़ाई, दिलचस्प लड़ाई, कांटे की टक्कर बेलागंज में, और सभी की निगाहें बेलागंज विधानसभा में है। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद अमजद। अमजद भाई बताइए कि मोहम्मद अमजद भी चुनाव लड़ रहे हैं, साथ दीजिएगा। तो अभी तो बेचारा वो नया नया आए हैं, अभी पार्टी नया नया बना है, तो उसके बारे में तो हम लोग सोच नहीं रहे। हम लोग तो हम 22वें समीकरण से चल रहे हैं। हाँ। जब से जो है कि बना है बिहार में, तब से जो है कि हम लोग वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं जी। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं बच्चा देख के वोट कीजिए, अपना बच्चे का भविष्य देख के कीजिए, आप M-2 समीकरण देख रहे हैं, क्या कीजिएगा? यहाँ हम लोग सब पूरा जितना हम लोग का कौम है जात है, जो लेके बूढ़ा पुराना जो लेके चल रहा है लोग, उसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। हाँ कहा जा रहा है अल्पसंख्यकों को वोट में बहुत बिखराव है, इस बार नतीजा जो है वो कुछ भी आ सकता है ना? ऐसा तो नहीं हम लोग को लग रहा है, हम लोग भी तो हर जगह जगह पर फोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या फोन पे क्या अपडेट मिल रहा है? अपडेट तो मिल रहा है जो है कि विश्वनाथ यादव के बारे में जो है कि अपडेट मिल रहा है, हर गाँव से हम लोग भी फील्ड वर्क ले रहे हैं। अच्छा विश्वनाथ यादव को क्या सोच कर आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं? देखिए उनके पापा जो थे यहाँ काफी दिन तक रहे हैं, विधायक रहे हैं, अच्छा खासा काम किए हैं क्षेत्र में, मरनी जीनी हर चीज में जब भी उनको बुलाइए, किसी भी प्रोग्राम कीजिए, छोटा मोटा प्रोग्राम कीजिए या कोई भी कीजिए, वो आकर के हाजिर हो जाते हैं। तो मनोरमा देवी भी तो कहती है कि हम क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। ऐसा तो बात नहीं है, इतना दिन जो वो रही हैं MLC रही हैं, लेकिन आज तक तो कोई क्षेत्र में हम लोग देखे नहीं है, नहीं मिले हैं, नहीं आज तक तो नहीं मिले हैं। मोहम्मद अमजद आप कह रहे हैं नए नवेले हैं भाई, दो बार चुनाव लड़ चुके, लड़े हैं, लेकिन अभी देखिए विचार कोई उनके ऊपर कोई जा नहीं रहा, लोग को जो है कि हम लोग जो शुरू से M-2 समीकरण जो है वही हम लोग देख रहे हैं, अब तक वही देख रहे हैं जी। यानी विश्वनाथ यादव का ही साथ देंगे जी? ओबीसी की पार्टी सुना है कि यहाँ पे उम्मीदवार, वो ओबीसी का पार्टी है तो जो है कि वो भी इसी तरीके से आया है फिर चल जाएगा, इससे पहले भी ओबीसी का पार्टी जीत चुनाव लड़ा था, मात्र 1,000-2,000 वोट ला करके जो है कि काम खत्म हो गया था उनका, काम खत्म हो गया था। चाचा किसको वोट देना है इस बार? हम कम वो सुनते हैं, किसको वोट दीजिएगा इस बार? हम आरजेडी को देंगे। आरजेडी को दीजिएगा जी? हाँ मतलब पार्टी देख के वोट कीजिएगा? नहीं हम शुरू से आरजेडी से ये है देते रहते हैं। काहे आरजेडी को काहे देते हैं? आरजेडी को देते हैं कि हम को जो है गांव में रहते थे उसी के सदस्य बने थे। अच्छा सदस्य उस समय बने थे? हाँ उस टाइम बने थे, इसलिए आज तक जो भी है आरजेडी जो है वो हम देते रहते हैं। दाएं बाएं नहीं हुए अभी तक? दाएं बाएं नहीं हुआ, ये बात तो सही है। हाँ। दाएं बाएं नहीं, इस बार तो मनोरमा देवी जी आएंगे, नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, कोई भी हमें हमको जो मन है वो अपना करेंगे। आपको समझाया जाएगा तब तो? नहीं कौन समझा देंगे हमको, हमको दिल होगा हम उसी को देंगे, हमको शुरू से आ रहे हैं देते हुए हम उसी को। दिल नहीं बदलेगा? नहीं नहीं बदले। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अपने बच्चे को देख के वोट कीजिए जी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं अपने बच्चे को देख के वोट कीजिए, बच्चे को देख करके वोट दीजिए। हाँ प्रशांत किशोर कह रहे हैं 50 मतलब
प्रशांत किशोर कह रहे हैं अपने बच्चे को देख के वोट कीजिए। प्रशांत किशोर का नाम सुना है? प्रशांत किशोर का नाम नहीं सुना। नाम नहीं सुने हैं प्रशांत किशोर का? ना। मोहम्मद अमजद का नाम सुने हैं? अमजद का नाम सुने, आया था बीच में। बीच में आया था? हाँ बीच में आया था। क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुआ कि ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। हाँ इतने बोले हैं बस। आपने बताया कि भाई हम आरजेडी के सदस्य हैं। हाँ उस वक्त 40 साल पहले। 40 साल पहले? हाँ। उसके बाद फिर हम रिटायर हुए डीडीसी कमिश्नर साहब, यहाँ ड्यूटी किया है 38 साल। वहाँ से रिटायर हो करके हम यहाँ आए। और उसके बाद जो है जब भी आरजेडी में कोई भी खड़ा होता है हम हमारे बाल बच्चे सब देते हैं। अच्छा विश्वनाथ यादव का नाम सुना है? विश्वनाथ लालू जी सुरेंद्र यादव भी हमको पहचानते हैं। अच्छा वो भी आप विश्वनाथ यादव को पहचानते हैं? ना पहचानते नहीं मगर जानते हैं, उनका लड़का है। उनका लड़का है जानते हैं। हाँ चलिए आप किनको वोट कर रहे हैं? विश्वनाथ बाबू के कर रहे हैं। थोड़ा आगे जी कह के हम आपसे ऊपर हो गए, चलिए हम बैठ ही जाते हैं। अब ये बताइए कि किनको इस बार चुन रहे हैं आप? हम विश्वनाथ क्यों चुन रहे हैं? विश्वनाथ बाबू को चुन रहे हैं इसलिए कि उनका विचार उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। बहुत सा नेता का बाल बच्चा किसी का गोड़ नहीं छूता है, दबंगी दिखाता है कि मेरा बाप विधायक हो गया। ये तो कम से कम भगवान की कृपा से आशीर्वाद है, बाप दादा का या परिवार को लेके चलते हैं। हम लोग हमेशा साथ देते हैं, 24 घंटा उनके लिए हम खड़ा है। 24 घंटा खड़े हैं जी। और मोहम्मद अमजद के लिए प्रशांत किशोर के पार्टी से हम उनको नहीं चिंता है, हम आरजेडी को चिंता है, हम अगला को नहीं चिंता है। पार्टी देख के वोट कर रहे हैं जी। हमारा बाप दादा सब खानदान उसी को दिए, हम भी आज भी उन्हीं के साथ हैं। कह रहे आप तो अल्पसंख्यकों का जो न्यू जनरेशन आ रहा है, आप जैसे यूथ जो आ रहे हैं उनका सोच बदल रहा है? मेरा सोच वही आरजेडी है। आरजेडी है जी। लालू यादव गरीबों का मसीहा था, आज उनका दिन से हम लोग रोड पर चल फिर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा मनोरमा देवी तो जानते हैं? मनोरमा देवी की जानते हैं, उनको हम नहीं चाहते हैं, हम आरजेडी को चाहते हैं। उनको नहीं दीजिएगा? नहीं। तो देखिए जो लोग हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस बार विश्वनाथ यादव आरजेडी को वोट देते आए हैं और इस बार आरजेडी को ही देंगे। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कह रहे थे आपने वह भी सुना। वहीं मनोरमा देवी को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि क्षेत्र में एक्टिव नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ग्राउंड जीरो पर हैं, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।